नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख है खफा, उठाएंगे विधानसभा में मुद्दा। दो पुलिसिये ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोबरागड़े है छोटी मछली, जांच हुई तो बड़े मगरमच्छों के होंगे खुलासे। वलगांव के सतीनगर में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष, 5 हुए घायल। विधान परिषद के चुनाव की घोषणा, गुरुवार को 19 प्रत्याशियों ने उठाए आवेदन। मेलघाट के जंगलों में 363 कृत्रिम जलाशय से होगी वन्य जीवों की तृष्णा तृप्ति। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। पिछले दिनों DCP चिन्मय पंडित द्वारा वर्ली मटका अड्डों पर छापों में उन अवैध व्यवसायियों से संबंध रखने के आरोप में ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोबरागड़े मुख्यालय अटैच किए गए, लेकिन इनके पीछे किसी मगरमच्छ का हाथ होने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल कुछ दिनों से शहर पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित की टीम द्वारा मारे गए वर्ली मटका अड्डे की छापे की गूंज पूरी अंबा नगरी में सुनाई दे रही है। DCP की लगातार 3 से 4 कार्यवाही में शहर के अवैध व्यवसायियों में इस तरह का खोप छाया हुआ है कि ये छूट भये अवैध व्यवसायियों ने भी अपने बोरिया बिस्तर समेटने में ही अपनी भलाई समझी है। न जाने कब पुलिस उपायुक्त अपनी दबिश दे दे। लेकिन इसी मामले में चैतन्य कॉलोनी में मारे गए छापे में जिन दो पुलिस कर्मियों पर अवैध धंधे वालों से संबंध रखने के आरोप में उनको मुख्यालय से अटैच किया गया, क्या वास्तव में उनकी इजाजत से चैतन्य कॉलोनी में वर्ली या फॉरेस्ट कॉलोनी में वर्ली मटके का व्यवसाय चल रहा था? क्या किसी सिपाही की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वे बेखौफ किसी को वर्ली मटका चलाने की इजाज़त दे? यह बात आमतौर पर हजम होने वाली नहीं है। कहीं इसके पीछे और भी कुछ बड़ी मछलियों के आशीर्वाद के बगैर यह संभव नहीं होने की चर्चा शहर में व्याप्त है। एक सिरे से पारदर्शक जांच हुई तो इस मामले का चित्र और कुछ भी हो सकता है, ऐसी चर्चा शहर के गली चौराहे में लोग चटकारे ले लेकर कर रहे हैं। तो दूसरी ओर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा यह मामला विधानसभा में उठाने, राज्य के अतिरिक्त गृह सचिव श्रीवास्तव से मामले की शिकायत करने और गृह सचिव द्वारा DCP के जांच अहवाल को मंगाने का आश्वासन आगामी दिनों में काफी रंगत दिखाने के आसार है। विधान परिषद चुनाव का आगाज हो चुका है, जिलाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले दिन 19 प्रत्याशियों ने फार्म उठाए। 21 मई के सुबह 8 से 4 बजे की अवधि में होगा मतदान। अमरावती स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य पद के चुनाव हेतु अधिसूचना चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधीश अभिजीत बांगर ने बुधवार को जारी की। अधिसूचना के अनुसार गुरुवार 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। उम्मीदवार या उसके सूचक को नामांकन पत्र जिलाधीश या निवासी उपजिलाधीश या सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी से गुरुवार 3 मई तक सार्वजनिक अवकाश छोड़ किसी भी दिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक दायर किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय में मिलेंगे। नामांकन पत्र की जाँच 4 मई की सुबह 11 बजे होगी। उम्मीदवारी पीछे लेने की सूचना उम्मीदवार या उसके किसी भी सूचक या लिखित प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को सोमवार 7 मई तक दोपहर 3 बजे तक दी जा सकेगी। चुनाव होने पर 21 मई को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 24 मई को मतगणना होगी, जिसमें गुरुवार की रोज अनुराधा पोटे, प्रवीण पोटे, गणवीर इन्होंने भाजपा के लिए आवेदन पत्र ले लिया है। राधेश्याम यादव कांग्रेस, संदेश सिंघई कांग्रेस, नीलेश ठाकरे कांग्रेस, सुधीर वाकोड़े कांग्रेस, संजय जैन कांग्रेस एवं मुंबई के प्रसिद्ध भवन व्यवसायी शरद निकम कांग्रेस,
जितेंद्र साबळे राष्ट्रवादी कांग्रेस और बाकी 9 अपक्ष इस तरह से गुरुवार की रोज नामांकन पत्र उठाए गए। इस संदर्भ में उपजिला निर्वाचन अधिकारी शरद पाटिल ने दी अधिक जानकारी। महाराष्ट्र विधान परिषदे अमरावती स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघा द्विवार्षिक निवडणूक 21 मे रोजी या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची मुदत 26 तारखेपासून 26 एप्रिल 2018 पासून 3 मे 2018 दुपारी 3 वाजेपर्यंत याच्यात 4 तारखेला छाननी होणार आहे आणि 7 तारखेला आपण नामनिर्देशन पत्र परत करू शकता। 21 तारखेला मतदान आहे, 24 तारखेला मतदानाची मोजणी आहे, 29 तारखेपर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे। याच्यासाठी जिल्हा परिषद महानगरपालिका नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांचे सदस्य हे मतदार असणार आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यात 19,489 होणार आहेत। दिनांक 20 एप्रिलला ही निवडणूक जाहीर झाली आणि 20 एप्रिलपासूनच जेव्हा जाहीर झालं त्या क्षणापासूनच आचारसंहिता लागू झालेली आहे। आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी याच्यासाठी आम्ही जिल्हास्तरावर एक आचारसंहिता समिती नेमलेली आहे आणि प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे 14 तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक आचारसंहिता कमिटी नेमण्यात आली आहे। महाराष्ट्र की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली अमरावती जेल का सुरक्षा ऑडिट हुआ। गुरुवार को पुलिस, खुफिया, CID, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस समय दी गई कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर आज उस समय विराम लग गया जब जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित के नेतृत्व में सुरक्षा ऑडिट हुआ। इस दौरान यहां प्रमुखता से पुलिस उपायुक्त चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त विशेष शाखा के निरीक्षक, महावितरण के अधिकारी, CID तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान प्रमुखता से उपस्थित थे। पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने इस संदर्भ में बताया कि प्रतिवर्ष जेल की सुरक्षा को लेकर ऑडिट किया जाता है जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जेल का मुआयना किया गया। इस दौरान पिछले वर्ष दी गई सूचनाओं की पूर्तता की गई या नहीं इस बात का भी यहाँ ध्यान दिया गया। तो वही कुछ नई सूचना है क्या इस बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से जेल की सुरक्षा दीवार को लेकर भी यहां मुद्दा उभरा जिसमें बताया गया है कि जेल की सुरक्षा दीवार के पिछले हिस्से से कुछ ही दूरी पर नेशनल हाईवे तथा इस स्थान पर उड़ान पुल बना हुआ है। इस स्थान से जेल के अंदर का संपूर्ण नज़ारा दिखता है। ऐसे में किसी अज्ञात द्वारा जेल में कुछ विस्फोटक चीज भी फेंकी जा सकती है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पत्र भेजने तथा जेल के पिछले हिस्से में स्थित दीवार पर कटीले तार की जाली लगाने का सुझाव दिया गया। ऑडिट के दौरान यह भी सूचना दी गई कि जेल परिसर में मात्र 2 ही सुरक्षा टावर कार्यरत है जिसके चलते यहां और 2 टावर बनाए जाए तथा जेल परिसर में मात्र 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस पर भी जेल प्रशासन को यह सूचना भी दी गई कि प्रत्येक बैरेट में कम से कम 2 CCTV कैमरे होना आवश्यक है। बता दें कि देश की सुरक्षित जेलों में अमरावती जेल का भी समावेश है। पुलिस उपायुक्त ने बताया का अहवाल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। आज रोजी आम्ही SID, IB आणि BCP हेडक्वार्टर, लोकल पोलीस स्टेशन, PWD असं संयुक्त विद्यमाने आम्ही कारागृहाचं आपल्या अमरावती सेंट्रल प्रिझन इथे एक सिक्युरिटी ऑडिट घेतलेलं। आज त्यामध्ये एकंदरीत कारागृहाची सुरक्षा, कैद्यांची सुरक्षा, कैद्यांपासून इतरांना काही त्रास होतोय किंवा इतरांपासून कैदी पलायन होऊ शकतंय का वगैरे अशा गोष्टींचा आम्ही आढावा घेतला आणि त्यांना काही त्यामध्ये सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यासाठी काही आम्ही त्यांना सूचना पण दिलेल्या आहेत। बढते तापमान की वजह से मेलघाट के नैसर्गिक जल प्रकल्प भी सूखने लगे हैं। ऐसे में वन्य प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग ने मेलघाट के जंगलों में बनाए 363 कृत्रिम जलाशय। टैंकरों से की जा रही है जलापूर्ति। ग्रीष्मकाल के प्रारंभ होते ही वन्य जीवों में भी बढ़ते तापमान का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी ओर बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों के तालाबों सहित अन्य नैसर्गिक जलाशय भी सूखने लगते हैं। ऐसे में वन्य जीवों को पानी की तलाश में
मीलों दूर भटकना पड़ता है। अनेकों बार ऐसे वन्यजीव पानी की तलाश में जंगलों से सटे बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, जिसमें अनेकों बार ऐसे वन्यजीव किसी बड़े प्राणी का शिकार बन जाते हैं या फिर बस्तियों में पहुंच जाने पर आम नागरिकों के हमले से जख्मी हो जाने तक की स्थिति भी निर्माण होती है। इन समस्याओं को देखते हुए वन विभाग मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की ओर से सतर्कता बरतते हुए मेलघाट के जंगलों में कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया गया है। पूरे मेलघाट क्षेत्र में कुल 363 कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर उसमें एक दिन के पश्चात टैंकर के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। यह बताना जरूरी है कि मेलघाट क्षेत्र में कृत्रिम जलाशयों पर पानी पीने आने वाले वन्यजीवों का शिकारियों द्वारा जलाशय के पानी में विष मिलाकर शिकार ना होने पाए, इसके लिए वन विभाग की टीम 3 शिफ्ट में रात दिन हथियारों से लैस होकर पेट्रोलिंग कर रही है। इस क्षेत्र के काटेपूर्णा में 15, दयानगंज में 40 छोटे बड़े कृत्रिम जलाशय की व्यवस्था में सोलर की मदद भी ली जा रही है। बताया जाता है कि मेलघाट के सीपना तथा खोलखा स्थित नैसर्गिक तालाबों में भी जलस्तर घटने लगा है। इन तालाबों पर भी वन विभाग की टीम टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रही है। इस संदर्भ में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारी जयदीप ने दी अधिक जानकारी। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास की एक खास रिपोर्ट। कोई भी क्षेत्र जंगली क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन इशू में एक बहुत महत्व का इशू रहता है कि उसके पानी उपलब्धता कैसी है और वो पानी का सुरक्षा कैसा है। तो मेलघाट में आज कम से कम 400 के आसपास पानी के उपलब्धता है। अलग अलग जगह पे डो है, नाले हैं, नदी में कहीं कहीं जगह जगह पे पानी है और इसके अलावा कहीं कुछ लेक है, तालाब है जहाँ पे पानी है। लेकिन धीरे धीरे सूखे का मौसम के कारण पानी कम हो जाता है। इसके लिए प्रशासन ने जगह जगह पे आर्टिफिशियल वाटर होल या जिसको कहते हैं कृत्रिम पानवटा, ये भी तैयार किए गए हैं और इन कृत्रिम पानवटाओं में कहीं कहीं पे सोलार लगाए गए हैं ताकि बिना जानवर को डिस्टर्ब किए वहाँ पे पानी, जैसे धूप आता है, सन का रेज आता है तो पानी उस पर भर जाता है। तो कृत्रिम पानवटा में पानी सोलर के थ्रू दिया जाता है ताकि एनिमल्स को कम से कम नुकसान हो। ऐसे अभी निसर्ग अनुभव का जो मचान वाटर होल का एक्टिविटी है बुद्ध पूर्णिमा में, ऐसे बाहर से अभी जो पर्यटक आने वाले हैं उनको ऐसे मेलघाट में कम से कम 400 पर पानवटे पर उनको बैठने का चांस मिलेगा, योग्य मिलेगा और जानवर वहाँ पे रात भर बैठ के वो देख सकेंगे नियम कानून पालन करते हुए। और ये पानवटों का सुरक्षा भी जो एम स्ट्राइक प्रोटोकॉल रहता है या जो पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत भी किया जाता है। उसमें लिटमस चेक किया जाता है कि एसिडिटी ज्यादा हो गया, अल्कलिनिटी ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा पीएच अल्कलाइन के तरफ जाता है इसका मतलब है कि पानी में कुछ गड़बड़ है। फिर वो पानी साफ करते हैं, वो आजू बाजू में देखते हैं कि उसमें कुछ तो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है पानी में। इसके अलावा हर एक पानवटे से ये भी पता चलता है कि उसके आसपास कौन से जानवर, उनके पगमार्क्स आजू बाजू में पता चलता है। तो गार्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका रहता है कि वो जज कर पाता है कि उस एरिया में कौन से जानवर है, क्या क्या कौन से जानवरों का वहाँ पे हैबिटेट है। वहाँ कभी कभी वहाँ पे हम कैमरा ट्रैप से चेकिंग भी करते हैं किस प्रकार से होता है। तो ये पूरे गार्ड सिक्योरिटी चेक करते हैं। एक पुरानी रंजिश के चलते स्थानीय वलगांव के सती नगर में दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से 5 लोग घायल हुए। घायलों का इरविन में उपचार जारी है। वलगांव थाना क्षेत्र के सती नगर में गुरुवार की सुबह पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर जमकर पत्थरबाजी की, जिससे महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। सभी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है, तथापि मौके पर उपजे तनाव को देखते हुए थानेदार दुर्गेश तिवारी के नेतृत्व में सशस्त्र बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला की रिपोर्ट पर दफा 452, 324, 143, 147, 148, 149 और 307 के तहत अपराध दर्ज किया है। इस घटना में घायलों में हफीजा भी रहमान, रहमान शाह, आमदार शाह, रफीक उन्नीसा, कासम कवि, कासम अली, कादर अली और महबूब अली अलूम शाह शामिल है। यह सभी बुजुर्ग है। इनकी उम्र 60 से 65 वर्ष की बताई जाती है। यह भी खबर है कि हमले की यह वारदात शिकायतकर्ता द्वारा पहले दर्ज कराई गई शिकायत का बदला लेने के लिए अंजाम दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महबूब
अली अलम शाह और उनके साथियों पर केस चल रहा है। रहमान शाह के बेटे अख्तर पर दुराचार का गुनाह दाखिल किया गया था, वह फिलहाल जेल में है। मेरा छह तारीख को बलात्कार करे इन लोगों ने, रोशन शाह शाहिद शाह ने छह तारीख को बलात्कार करे। सात तारीख को मेरे को पुलिस स्टेशन वालों ने बोले कि आज नहीं जाते देखो मेडिकल को, सुबह में लेके जाएंगे, बोले तेरे को कुछ नहीं करे, बोले तेरे साथ में क्या करे, पुलिस वालों ने भी ऐसा बोले। सात तारीख को भी सुबह में गई था वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो 2 बजे मेरा मेडिकल रिपोर्ट हुआ। मेरा 2 दिन एडमिट रही इरविन हॉस्पिटल में। मैं 2 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद में कोई पुलिस वाला मेरे को देखने के लिए नहीं आया इरविन में। फिर मैंने छुट्टी ली, घर पे गई। ये लोग मेरे को आके परेशान करते थे, आपस में केस ले नहीं तो तेरे जान से खत्म कर डालेंगे। फिर मैं उठा नहीं रहते वो लोगों को, रोशन शाह शाहिद शाह को उठा नहीं रहते। तो मैंने बोली कि मैं ऊपर करती करके, तो ऊपर DSP से मिली मैं, जाके पंडित DSP सर से मिली और उन्होंने बताया कि जल्दी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा के जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करो। फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं पुलिस स्टेशन में गई, साहब से मिली तो साहब बोले ज़्यादा बोले मैं कान पर तेरे पट्टे लगाऊंगा, बोले ज़्यादा बोलेंगी तो बोले तू। तो मैं वहाँ से वापस आई, घर पे आई, फिर उन्होंने वो लोग मेरे घर पे धमकी देने के लिए आए और वो लोगों ने बोले आपस में रहमान शाह ने, बशीर शाह, नशीर शाह ने, रजाक शाह ने, रशीद शाह ने, उसका जवाई रहमान शाह, इतने जने मेरे घर पे आके बोले आपस में केस लिए, बोले नहीं तो तेरे जान से खत्म कर डालेंगे, बोले तेरे को। अभी आज की घटना में मेरा आला ऐसा घर पे घुसे, मेरे वाले तलवारा वाले लेके, मेरा बाप बूढ़ा पड़ा पागल बैठा था मेरे घर पे, कोई नहीं था सर। और मेरे घर को आके मेरे बोले आपस में नहीं देता तेरा डबल से बलात्कार कर डालेंगे, मेरे बाप ने हाथ पांव जोड़ा। इस मामले में पुलिस ने अख्तर बी राजीव शाह की रिपोर्ट पर एक दर्जन लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अख्तर बी राजीव शाह के साथ रहमान शाह रसीक शाह, बशीर शाह, नसीर शाह, रहमान शाह का दामाद रंजीत शाह, रज्जाक शाह, वजीर शाह, अफीजा बी रहमान, शमा बी रशीद शाह, साहिल शाह, शमीम बी रज्जाक, हसीना बी वजीर शाह आदि घर में बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। बताया जाता है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं पर घर में घुसकर डंडे बरसाए और पत्थर से भी हमले किया है। ये झगड़ा है, इन्होंने घर पे आके हमला करे, मेरे अब्बू को 2 हाथ हो चुके हैं और उनपे चाकुआ छू रहे हैं, लाठों का इस्तेमाल किया गया है और मेरे अम्मी पर भी चाकुओं का, पत्थरों का इस्तेमाल किया है। मेरे फुफू पर भी घर पे आके पूरा हमला किया हुआ है, बाल बच्चे पूरा घर तोड़ दिया गया है, बाहर लोग के गुंडे मंगा के उनको मार दे। मेरे भाई को पहले मेरे भाई को उसके भाई ने गाड़ी से उड़ा दिया। मेरे भाई ने बोला कि इतना बड़ा रास्ता है तू गाड़ी को तू देख के चला नहीं सकता, तो बोल रहे दवा खाने में भर्ती करता, ऐसी गाली देके बात किया। मेरे भाई ने एक झापड़ मारा तो उसके बहन ने और उन्होंने रूम में लेके बलात्कार की केस डाल के दोनों भाइयों को अंदर किया। वो दोनों अंदर है अभी 15 दिन से और ये मेरे अम्मी और मेरे अब्बू अकेले घर पर रहते हैं। आज उन पर हमला किया, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस वाले ना उनको अंदर कर रहे ना कुछ कर रहे, अंदर भी बस मेरे भाइयों को कह रहा और बुलाना भी मेरे अम्मी अब्बू को हो रहा, उनको इतने पूरे खटले में से एक भी अंदर नहीं है, सब बाहर रह रहे हैं, औरतों को देख देख के सब अंदर रह रहे हैं। शिकायतकर्ता के पिता के साथ मारपीट की गई और घरों पर पथराव किया, जिससे 5 लोग घायल हो गए, सभी को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हमले की वारदात से एरिया में खलबली मची है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अपोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती।